राम राम। जय श्री राम साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम। और जैसा कि आपको मालूम है, पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ होते हैं पंच और सरपंच, और जो देते हैं जनता के सवालों के जवाब, और जो कहते हैं आपके समक्ष अपने मन की बात, जो भी विकास कार्य उन्होंने किए हुए होते हैं और जो भी विकास कार्य वो आगे करने वाले होते हैं। तो आज पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम में हमारे साथ हैं पहलादी जी, जो कि कोटमन गांव से हैं, और नंदगांव जो ब्लॉक समिति पड़ती है वहां के ब्लॉक मेंबर हैं। तो पहलादी जी हमारे साथ हैं, जो कि देंगे आपके सवालों के जवाब, और यहाँ पर पूछे जाएंगे उनसे उनके विकास कार्यों के ऊपर कुछ प्रश्न, तो वो अपने प्रश्न यहाँ पे बताने वाले हैं। तो पहला दीजिए जी। राम राम जी सब ते लोरे बड़ेन ते माई बहनन ते मेरी नमस्कार है, राम राम जी। तो साथियों, यहाँ पे अब हम सवाल जवाब करते हैं। तो पहला दीजिए, आपसे पहला प्रश्न ये है कि जीतने में जब आप ब्लॉक मेंबर बने थे, इलेक्शन लड़ा था आपने, तो जीतने में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी आपको? कोई दिक्कत ना ही, बढ़िया बहुमत ते बढ़िया जीती। अच्छा, खूब सबने सहयोग दिया। सबने सहयोग दिया था आपके साथ, जो भी आपके पड़ोसी थे? हाँ, खूब 350 वोटन दे जीते जी। अच्छा जी, खूब। हाँ, अच्छी विजय हुई थी। हाँ, आपकी। तो अगला प्रश्न आपसे ये है कि अभी तक आपने जीतने के बाद क्या क्या काम करवाए हैं अपने गांव के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, उसके विषय में थोड़ा सा जनता को बताएं। मकान बनवाए गरीब गुरबान के, तो और लेटरिन बनवाई हैं जी। अच्छा। और जी कहा सड़क फिरकी की सड़क है वह बनवाई हैं, देवतान की सड़क परी अदबिर गड्ढे में वह बनवाई हैं जी। और कहा है अब यहाँ ते आग है, और सिलेंडर है हमारे, सिलेंडर दिए सरकार ने, वो सिलेंडर भरे नहीं जा रहे, अब बंद पर हैं, नहीं रद्द कर दिए 2-4 महीना भर के। तो सरकार से भी आपकी शिकायत है? हाँ, शिकायत है जी। पिल्सन के नहीं है, बड़े बूढ़े 500 रुपये में क्या गुजारो कर लें, हरियाणा में क्या घने अनाज खा रही है का बड़ी बूढ़ी, जो यूपी में ना खा रही 500 रुपया के नू ना खा जाए मैं इस महीना में। अच्छा। हाँ जी, हमें कहा होनी जानी है, 500 रुपया ने शर्म और लगा बैंक तीन जाने में। तो आपके वहाँ जो पेंशन है वो 500 रुपये मिलती है सिर्फ? 500 अभी 2-4, 6-6 महीना में आवे वो भी। अच्छा। हाँ, पिछले साल तो 500 करे नहीं, 500 भी ना है, 300 रुपये वो भी टाइम पे ना। हाँ, वो नहीं सरकार दे मत दो। अच्छा, टाइम पे ना है जी कोई। और वो सिलेंडर की क्या कह रहे थे आपसे? सिलेंडर तो कुछ नहीं, रद्द होएगा तो होएगा, कर दिए रद्द। वो हमें 2 महीना दिए, बोल मैं भरवाऊंगा, फिर भरवाऊंगा 2000 रुपया 2 महीना दिए, फिर रद्द, काफी रद्द, सब रद्द। अच्छा जी, सब रद्द होएगे जी। तो ये सब रद्द है, धर धर के सिलेंडर नहीं बैठी है पब्लिक। तो ये आप सरकार से गुजारिश करना चाहते हो? अन्यो गुजारो करे जी, यूपी में कहा भाई अरबानी के पेट ना आएगा, जो हरियाणा में पेट है, हरियाणा में 2200 रुपया और यूपी में 500 रुपये 500 के तो बैंक पता ही जा, कहीं पे चले हो जाए ना, कहीं पहले हो जाए ना, 500 को क्या आ रहा है आज? सही बात है। जो पन्हा भी पहले तो 500 की उठ के पन्हान में 500 रुपया, यू है दिक्कत जी। तो साथियों, पहलादी जी की अपील है सरकार से कि जो लोगों की जो पेंशन है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाए, सिर्फ 500 रुपये मिलती है उससे गुजारा नहीं होता है। और इनका कहना है कि जब हरियाणा के अंदर 2000 रुपये पेंशन है बुजुर्गों की, तो यूपी में क्यों नहीं की जाती? तो यूपी में भी 500 रुपये की जगह 2000 पेंशन की जाए, ये सरकार से गुजारिश करती हैं पहलादी जी। और अगला सवाल आपसे ये है, अगर अब की बार, और पहली बात मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, पहलादी जी गांव सौंद से हैं और कोटवन में ब्याही हैं, और वहीं पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था ब्लॉक मेंबर का, और अपने विकास कार्यों के ऊपर यहाँ पे चर्चा कर रही हैं। अगला सवाल है आपसे पहलादी जी, अब की बार अगर आपको जनता दोबारा से बनाती है तो आप क्या क्या विकास कार्य करोगे उनके लिए, जनता के लिए, और क्या काम करने अभी बाकी हैं? बाकी काम है फिर की इनके DPC के गरारे बनवाएंगे, एक हमारे नल हैं घर के अंजन धरे हैं, 1500 से 1500 रुपया साल भर में वाके जा रहे हैं बिल के, गरीब पे काई पे हैं काई पे ना है, फिर वह फिर की बंद कर दें, वहाँ पानी की सप्लाई है बंद कर दें, कई कई इतना प्यासे बैठे रहे हैं जब बिल ना पटे, तो सरकारी आने चाहिए, बिजली को काम होना चाहिए हमारो। अच्छा। हाँ, बिजली को काम होना चाहिए, जो इतना बिल झेल ना पा रही पब्लिक, पैदा नहीं हो रही 2 साल थे, तो धान गर रहे हैं, गेहूं गर रहे हैं, 2000 रुपये मिल जाने तो क्या होना है, 6000 साल भर में होने होना ना कछू, बिजली के बिल इतने बढ़ा रखे जो सीमा से बाहर वह कर रखे मीटर, यू है जी दिक्कत हमारे। तो आप इनको कुछ कम करवाने का प्रयास? हाँ, कम करवाने के प्रयास, यू एक बिल कम होना चाहिए, 250 रुपया महीना ते बिल चले तो आप सब झेल जाएगो, और इतने तो बेलदार भी ना ला रहे हो, कहाँ तला में नौकरी मिल ना रही बच्चे ने, नौकरी में कच्ची नौकरी में ठेकेदारी में कमा रहे हैं 8-8 हजार रुपया मिल रहे हैं, और 10-10 हजार सरकार ते ऑल आउट है, तो ये छापे क्यों ना गिर रहे कंपनी में छापे गिरो, भाई इतनी तनख्वाह में 8-6 हजार में कौन के गुजारे हो रहे हैं,
जब या बच्चा है चार पीछे उनके गुजारे थोड़े हो रहे उनते, पढ़े लिखे बालक ठाली बैठे उनते कछु कारवाई नहीं हो चाहिए। हमें तो 10-12 हज़ार तो चाहिए चाहिए बच्चा के बाप बन गए जो उनके पीछे बैयर बानी है, उनके 12 हज़ार तो तनखा होनी होनी चाहिए। सही बात। और 6 हज़ार कोई दे दे 7 हज़ार ठेकेदारी में कमा रहे हैं, पाम तोड़ के अपने घर में आ बैठे हैं बेचारे, वो भी टाइम पे तनखा मिले ना मिले। तो गांव के लिए और कुछ करोगे आप, पेड़ वगैरह लगाएंगे? जी पेड़ भी करेंगे और मकान भी बनवाएंगे, पेड़ पौधान में जो नौकरी मिल रही है उनने घने घने और माइंस भी लिए जाएंगे भर्ती में। अच्छा, हाँ पेड़ पौधान में। तो अपने ब्लॉक के लिए आप और भी विकास कार्य करोगे अभी? और हरियाणा में दूध दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, आंगनबाड़ी है 6-6 महीने नहारी गांवन में और यूपी में और हरियाणा में सब महीना के महीना आ रही सब सौदा। यू कहा कारण है यूपी में नेता बेचारे फिर नहीं बैठे हैं बने। इसकी तरफ आप ध्यान दोगे अब की बार तो हम घनो ध्यान देंगे। हमारे सरकार की बात देख देख के हमारे दिमाग दौड़ रहे हैं एक भाई सरकार तो इतनी सियान पे खेल रही है, हम नहीं लुट रहे हैं। सही बात है। तो अभी और विकास कार्य आप करने वाले हो और ज्यादा? हाँ। तो साथ आपके बनेंगे तो और घनो विकास करेंगे, पिल्सिन के भी पचेंगे। अच्छा। और बड़ी बूढ़ी ने तो जो जिनकी उम्र दिन आ रही है उनके तो 300 रुपया आज भी पिल्सिन के, आज भी 300 में क्या हो रहा है चीनी चाहे दूध की पूर्ति ना पड़ेगी बड़े बूढ़े इनकी। सही बात। मट्टी पलित हो रही है बड़े बूढ़े इनकी यूपी में सबरी में। सही बात है। हाँ। तो बहुत ही अच्छी बात आपके सामने रखी, और भी सारे बहुत सारे विकास कार्य करने वाली हैं यहाँ पे पहलादी जी अगर आप इनको दोबारा से चुनते हो। और तो पहलादी जी जनता से आप अंत में क्या अपील करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? यू करूँ हंस के आप जैसे पहले बनाई अब भी बनाओ, त्यारे नहीं आई पचूंगी सरकार दरबार से, जो काम त्यारे अधूरे पड़े हैं उन्हें काम उन्हें पूरे करवाऊंगी कह के। यू है जी। तो सारे काम आप करवाने वाले हो आप? हाँ। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो साथियों ये था छोटा सा इंटरव्यू पहलादी जी का कोटमन से, जो कि नंदगांव के ब्लॉक मेंबर समिति की ब्लॉक मेंबर थी, और इन्होंने अपने विकास कार्यों के बारे में बताया और इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप फिर से इनको चुनते हैं तो आगे क्या क्या विकास कार्य ये करने वाली हैं, क्या क्या कदम आगे उठाने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो हम किसी नए पंच और सरपंच के साथ लेकर फिर से हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।